मशीन चली है सिर्फ तुम्हारी अकल की वजह से। समझ नहीं आती है, बिजली का बिल अलग, ऊपर से ये दूसरी दफा मशीन कौन भरेगा इसका बिल? तुम्हारी वजह से हुआ ये, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। दफा हो जाओ यहां से मेरी नजरों से, तो फिर इसका बिल भरोगी? जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, बहुत शुक्रिया, वेरी थैंकफुल टू यू, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, और अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जनाबे वाला, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा, मैं भी कहता हूं, आपने भी कहा होगा, यार गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ये अगर हम उसको गौर करें, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो बर्दाश्त क्या होता है? सही बात बर्दाश्त होती है। तो बर्दाश्त तो एक ऐसी चीज है ना कि आपके सामने कोई गलत बात कर रहा है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेंस लेवल है आपका। तो सही बात बर्दाश्त करने में ऐसी कौन सी अफलातूनी बात है, कौन सा ऐसा फन है जो आपने बर्दाश्त कर लिए? सही बात, सही बात तो बच्चा भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके सामने अगर आप कोई गलत बात करेंगे, उसकी मंशा के, उसकी पसंद के अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चों में और हमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, हमारा टॉलरेंस लेवल बेहतर होना चाहिए कि हमारे सामने कोई गलत बात करे, कोई खामखाई की पिन कर दे, प्रोवोक करे, तो हमें सब्र, बुर्दबारी, आराम से तहम्मुल के साथ उस बात का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सामने वाले की औकात याद दिला देते हैं, हम सामने वाले की इज्जत दो कौड़ी की कर देते हैं, उसको ये बताते हैं कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है और मेरे सामने तेरी हैसियत क्या है, क्या ये मुनासिब है? मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, जनाब इस वीलॉग का स्टार्ट आपने देख लिया होगा, एक वीडियो से किया गया। ये वीडियो किसकी है और इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस पर आज बात करेंगे, और क्या ये रवैया दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो जनाबे वाला नादिया हुसैन साहिबा की है, मशहूर मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, सलोन भी ओन करती हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेशुमार इनके फैंस हैं, फैन सर्कल बहुत ज़्यादा है, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मैं कई और लाइनें इनके बारे में बोल सकता हूँ और अच्छी लाइनें बोल सकता हूँ, इनकी बुराई नहीं कर रहा, अच्छी बात कर रहा हूँ। लेकिन जनाब इस वीडियो में इनके सामने जो खातून खड़ी हैं वो गालिबन इनकी मेड है और उनके साथ इनका रवैया मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब रवैया है, सख्त अंदाज में बात कर रही हैं, नारवा सलूक हो रहा है, सख्ती से सरजनिश कर रही हैं। सरजनिश किस बात पर हो रही है जनाब वाला? अगर आप कराची में रहते हैं तो के इलेक्ट्रिक की शरंगेजियों से आप बचे हुए नहीं होंगे, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। या तो आपने ओवर बिलिंग के आप शिकार हुए होंगे या लोड शेडिंग के शिकार हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, मतलब कराची में जो रहने वाला है ना वो के इलेक्ट्रिक से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले से परेशान ज़रूर होता है। तो जनाब शायद मामला यही है, घर में फ्लक्चुएशन हो रही होगी, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का मामला हो रहा होगा, इस मेड की जिम्मेदारी होगी कि आपने मेन स्विच बंद करना है, खोलना है, इसी तरह का मामला चल रहा होगा। अच्छा, हम मेड इसलिए रखते हैं कि हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां वो अपनी जिम्मेदारियां उन पर डाल दें और उसके बदले जो वो हमसे तकाजा करती हैं पैसों का, जो एवस वो पैसे उनको दे दें, फेयर इनफ। लेकिन जनाब हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो हमारे यहाँ नौकरी ज़रूर कर रही होती हैं, हम उनको नौकर ही समझ लें, अपने गुलाम समझ लेते हैं। मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, नादिया हुसैन साहिबा की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल हमारा माशरा देख लें, ऐसी अनगिनत वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने देखा कि इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई अमीर, अच्छे, वेल एजुकेटेड, वेल सोफिस्टिकेटेड लोगों के घरों में जो मासियां काम कर रही होती हैं, जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ उन लोगों का, उन पढ़े लिखे लोगों का क्या सलूक होता है। अनगिनत वीडियोज ऐसी मौजूद हैं, अनगिनत ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि किस तरह से उन बच्चों पर, उन खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। अगर तशद्दुद नहीं होता तो जुल्म की एक और मिसाल ऐसी है जिसमें मेरा दिल कट जाता है, मैं अगर अपनी जाती बात करूं तो मेरा दिल कट जाता है। वो वजह क्या है, आप बाहर खाना खाने जाते होंगे, आपने देखा होगा खानदान का खानदान वहां बैठा हुआ है, एक से एक पकवान है, जबरदस्त दावत हो रही है, और उनके साथ अगर कोई मेड है तो बेचारी खामोशी से जमीन पर बैठी। यार अल्लाह ने आपको नवाजा है, अगर उसको अभी फिलहाल नहीं नवाजा, अल्लाह उसको भी नवाजे,
तो उसमें उसका क्या कसूर है, और आपको नवाजा है तो उसमें आपका क्या कमाल है। यार इंसान को इतना तो एहसास होना चाहिए, इंसान का ब्रॉटअप ऐसा होना चाहिए कि वो अपने मुलाजिम को अपना गुलाम ना समझे, अपने मुलाजिम को इंसान समझे और इंसान समझ के उसको ट्रीट करे। अब अगर पर्टिकुलर इस वीडियो की बात की जाए तो इस वीडियो में मेरी नजर में एक चीज बुरी है, वो बुरी है कि उन्होंने कहा दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। यार आप अपने मुलाजिम को, अपने नौकर को, मैं नौकर इसलिए लफ्ज यूज नहीं करता कि भाई वो आपके यहां नौकरी कर रहा है, आप उसको गुलाम समझ लेते हो, ठीक है उसके साथ गलती हो गई है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हर एक का बढ़ गया है, बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन टॉलरेंस लेवल इतना तो होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से उससे बात करो। अगर आपने गुस्सा करना है तो अल्फाजों का चुनाव तो बेहतर कर लो। नादिया हुसैन साहबा को मैं गलत इसलिए नहीं कहूंगा कि हो सकता है उन्होंने कोई जिम्मेदारी लगाई हो, उन्होंने बार बार तनबी की हो, बार बार बोला हो कि भाई ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा, अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक आलात होते हैं घर में कहीं वो खराब ना हो जाएं, उड़ ना जाएं, इस वजह से जिम्मेदारी लगाई हुई हो। उन्होंने कहा कि आप मुस्तकिल मोबाइल में लग रहे थे, अच्छा ये एस्पेक्ट है, ये मामला है, अक्सर घरों में जो मुलाजिम रखे जाते हैं उनके मुतालबे पर तकाजे पर मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल होता है कि चलें ठीक है आप अपने फ्री वक्त में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उसी के होके रह जाते हैं, फिर वो जिस मकसद के लिए उनको हायर किया जाता है वो काम नहीं कर रहे होते। दोनों जगह ही फ्लॉज हैं, दोनों जगह ही मसले हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने मुलाजिम को इंसान का बच्चा ही समझें यार, गुलाम ना समझें, अपने आप को आका ना समझें। आप अपने आप को आका समझने लगते हैं, मेरा दिल कट जाता है और मैं तो भिड़ जाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको सही कहूँगा, अगर मैं कहीं खाना खाने जाऊँ और वहाँ पर मैं ऐसी फैमिली देखूँ जो कि जिसका दस्तरखान भरा पड़ा हुआ है, जिसके बच्चे मज़े से खाना खा रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को और नवाजे, मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, लेकिन अगर आप अपने साथ आने वाले मुलाजिम को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते तो कम से कम उसको वो खाना तो खिलाएं जो आप खा रहे हैं। हम लोगों की मुनाफ़कत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, बड़े बड़े घरानों में बच्चे पालने के लिए मेड्स रखी जाती हैं, अपने बच्चों को गोद में उठाना पसंद नहीं करते हैं, मेड पूरे वक्त बच्चे और बच्ची को जो उनके होते हैं उसको उठाए घूमती रहती है। आपकी औलाद उस नौकर की या उस मुलाजिम की गोद में होती है लेकिन आप उसको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते खाना खाते हुए, इससे बड़ी दोगली बात और कोई नहीं हो सकती, दोगला रवैया और कोई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हिपोक्रेसी और कुछ नहीं हो सकती कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा उसको गोद में खेलने के लिए दिया हुआ है, इसको संभालने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप में इतनी तमीज़ इतनी गैरत हरगिज़ नहीं है कि आप उसको अपने साथ बिठा के खाना खिला सको। यार ये हमारा रवैया, हमने बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी, बेशुमार ऐसे वाकया देखे जहां पर मासूम बच्चों को जो कि घर में मुलाजिम होते हैं काम करने के लिए रखा होता है उनको एक छोटी सी गलती की वजह से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता है। कई बच्चियां कई बच्चे उन तशद्दुद का शिकार होकर दुनिया से चले गए, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं जाता। हमें इस माशरे को बदलने की जरूरत है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके मेरा ये वीलॉग बनाने का मकसद ये था कि ये एक वाकया है, मैं इस वाकये में नादिया हुसैन को गलत तो नहीं कहूँगा लेकिन सही भी नहीं कह सकता, उनको बेहतर अंदाज में अपनी मुलाजिम से बात करनी चाहिए थी, बेहतर अंदाज में उसको ट्रीट करना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने पहले किया हो सकता है उन्होंने मुतादिद बार तनबीह की हो, लेकिन शायद वो मुलाजिम समझ ना रही हो जिसकी वजह से उन्होंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन दफा हो जाओ और इसका बिल तुम भरोगी, ये वो अल्फाज थे। अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाता तो नादिया हुसैन की जो वीडियो बना रहा था ना उसको कुछ हासिल नहीं होता। डांटना कोई बुरी बात नहीं है, आप डांट सकते हैं अपने मुलाजिम को, लेकिन उसका भी दायरा होता है, इखलाकियात का दायरा होता है, जो कि इखलाकियात का दामन हमेशा हर मौके पे अपने हाथ से छोड़ देते हैं। जनाब वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।